मुस्लिम भाई हूं तो सवाल कर सकते हैं। सलाम अलैकुम जाकिर भाई, मेरा नाम तुषार शाह है, मैं जैन गुजराती हूं सर। मैं सिविल इंजीनियर हूं, कॉमर्स ग्रेजुएट हूं और MBA की डिग्री होल्ड करता हूं और पुणे में एज ए प्रमोटर बिल्डर काम करता हूं सर। मुझे आपके बारे में हमारे एक मुस्लिम फ्रेंड के थ्रू मालूम पड़ा। उन्होंने आपका एक CD मुझे दिया जो कि वेज और नॉन वेज के ऊपर आपका डिबेट था सर, और वो आपने जैन लोगों के साथ किया था। वो मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा सर, और मैं तब से आपका फैन हुआ तकरीबन 5 साल पहले। उसके बाद मुझे आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कैसी मिले ये मैं खोज रहा था, तो मुझे QTV के बारे में पता चला और मैं आपको QTV पे देखना चालू कर दिया सर। उसके बाद में तो हमारी लॉटरी लग गई, PIS TV चालू हुआ सर। PIS TV तो 24 घंटे चलना चालू हुआ। और सर मैं यहाँ ब्रेक लेके बोलना चाहूँगा कि जितने भी जैन प्रिंसिपल्स हैं या जो भी राइट्स और रिचुअल जैन लोग फॉलो करते हैं, ये बचपन से लेके आज तक मैं समझने में फेल रहा हूँ सर। एक भी उनका प्रिंसिपल मुझे लॉजिकली एक्सेप्ट नहीं हो रहा है सर। ऑन द कॉन्ट्ररी, इस्लाम के जितने भी प्रिंसिपल मुझे मालूम पड़े, जो कि आपके थ्रू मालूम पड़े, 99.99% एक्सेप्ट हो रहे, वो भी लॉजिकली सर। तो यहाँ दूसरी बात ऐसी हो रही है कि PIS TV के बारे में मैं थोड़ा आपकी परमिशन से बात करना चाहूँगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, कैन आई टॉक सर? सवाल थोड़ा मुख्तसर करें। आज मुख्तसर ये नहीं, असल में क्या है, बहुत सारे भाई कतार में खड़े हुए हैं, बहनें भी हैं, सबको मौका दीजिए जाकिर साहब को सुनने का, इसलिए प्लीज आप पहले अपने टॉपिक पे आ जाइए। आप क्या कहना चाहते हैं सर? पता है मुझे, मैं 3 दिन से नंबर लगा रहा हूँ, आज नंबर लगा है सर। 3 दिन का बदला वसूल कर रहे हैं आप? जी नहीं सर, मुझे कुछ PIS TV के बारे में बात करना है, मुझे बात करने का मौका दिया जाए सर। ऐसा हुआ है कि PIS TV से मुसलमान लोगों को तो बहुत फायदा हुआ था नजर आ रहा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा फायदा इस्लाम के बगैर जो मजहब है उनको होता नजर आ रहा है सर। इसका कारण मुझे जो ध्यान में आ रहा है ये है कि इस PIS TV थ्रू बगैर इस्लामी मजहब की जो किताबें हैं उस पे रोशनी डाली जा रही है सर, और उन्हीं उन लोगों को ये मालूम मिल रही है कि उनके बुनियादी वसूल क्या है, उनके प्रिंसिपल्स क्या है, और आज जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनमें एक हिम्मत आ रही है कि वो उनके सो कॉल्ड धर्म गुरु को सवाल पूछने की ताकत रख रहे कि जो कुछ हम सुन रहे हैं ये सही है क्या, ये पूछने की हिम्मत आ रही है सर, और ये हिम्मत थोड़े दिन में बहुत बढ़ जाएंगी सर। इसे रोकना अब मुश्किल है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि पुणे में एक एरिया में PIS TV पूरी तरह से बंद हो चुका है। ये मेरी कंप्लेंट है सर। ये हम जो एरिया में रहते हैं वहाँ PIS TV काफी महीनों से बंद है। अभी चलाने वाले भाई जो है ये मुसलमान है, और उनके एरिया उनके अंडर में जो एरिया आता है वो पूरा ही मुस्लिम एरिया है सर। अब उन्हें प्रॉब्लम क्या है समझ में नहीं आ रही है चैनल चलाने में। आस्था चैनल चला रहे, संस्कार चला रहे है, फैशन TV 24 घंटों चला रहे, ट्रेन 24 घंटों चला रहे, लेकिन PIS TV नहीं चल रहे सर। हमने उन्हें काफी रिक्वेस्ट की, ईमेल भेजे, नोटिस भेजी, फिर भी कोई उसमें बदलाव नहीं आ रहा है, PIS TV चल नहीं रहा है। तो मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप वो भाई से बात करें और उन्हें ये कहे कि PIS TV चलाने में आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कल एक भाई ने ये थोड़ी बात की लेकिन खुल के बात नहीं की। आपने उन्हें कहा कि आप एक 5-6 हजार की डिश लगा दो, PIS TV चल जाएगा। सर 5-6 हजार की डिश चला लगाने वाले की ताकत पुणे में 500 लोग रहेंगे, 5 हजार लोग रहेंगे, लेकिन पुणे में बहुत गरीब लोग हैं जो कि ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे।
और उनका हक है कि पीस टीवी देखे करके। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वो भाई साहब का प्रॉब्लम क्या है वो देखे और पीस टीवी चालू करने के लिए रिक्वेस्ट करें। और अब मैं सीधे अपने सवाल पे आता हूँ सर। जैसे मैंने कहा कि जैन लोगों का एक भी प्रिंसिपल लॉजिकली मेरे समझ के बाहर है, और इस्लाम के जितने प्रिंसिपल मैंने सुने हैं 99% प्रिंसिपल्स मुझे लॉजिकली एक्सेप्ट है सर। जो एक प्रिंसिपल में थोड़ी गड़बड़ाहट है वो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ सर, अगर मेरे से कोई गलती हुई तो प्लीज़ संभाल लेना सर मुझे। तो मेरा ये है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न विद फ्री विल एंड वी आर हियर टू टेस्ट फॉर द लाइफ टू कम हियर आफ्टर। ये एक प्रिंसिपल है सर, मुझे एक्सेप्ट है, मुझे कोई इसमें ये नहीं है। दूसरा प्रिंसिपल है सर तकदीर का, जहां मुझे थोड़ी गड़बड़ हो रही है, तकदीर का प्रिंसिपल जो मैं समझ रहा हूं और जो मैंने सुना है वो ये है कि जो अल्लाह ने लिखा है करके आप कर रहे हो, ये जुमला गलत है। आप जो करने वाले हो वो अल्लाह को मालूम है, करके अल्लाह ने लिखा है। आई होप आई एम राइट सर। तो सर अगर जब फ्री विल का जो प्रिंसिपल है तो ये तो इसके साथ टैली हो रहा है सर, जबकि मैं देख रहा हूँ फ्री विल आप जो करने जा रहे हो, यानी कि मुझे फ्री विल तो है करने में, ये प्रिंसिपल टैली हो रहा है। अब रहा प्रिंसिपल टेस्ट का, अब जब अल्लाह ने हमें यहाँ टेस्ट के लिए भेजा है तो आप यहाँ कह रहे हैं कि आप जो करने जा रहे हो वो अल्लाह को ऑलरेडी पता है और उन्होंने लिख के रखा है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि हम आखिरत तक क्या करने वाले हैं, यानी सब लोग जो है क्या करने वाले हैं, ये अल्लाह को पता है, ये एंड रिजल्ट अल्लाह को पता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल सही, आई एम ग्लैड सर, जो मैं समझ रहा था सही समझ रहा था। अब यहाँ बात ये आ रही है कि सर अगर वर्ल्ड कप क्रिकेट का रिजल्ट मुझे अगर फाइनल रिजल्ट मालूम है तो पूरा वर्ल्ड कप मुझे देखने की जरूरत क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल। लगता है कि आप बहुत पीस टीवी देखते हैं। काफी देखता हूँ सर। आपने जिस तरीके से तकदीर को शॉर्ट में कहा, यस सर, बहुत कम मुसलमान यह कह पाएंगे। मुसलमान को भी ये प्रॉब्लम है तकदीर क्या है, मैच करने का फ्री विल एंड तकदीर बहुत कम मुसलमान कह सकते, और आपने इतने बड़े मजमे में कहा, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। थैंक यू सर। आपका आखिरी सवाल था कि अगर अल्लाह को पता है। सर आई हैव नॉट येट फिनिश्ड माय क्वेश्चन सर, प्लीज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, ये तो एक पार्ट था क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट ये है कि अल्लाह को जब अगर मैं तो बनिया हूँ सर, मुझे मालूम पड़ा है कि इस्लाम एक्सेप्ट करके मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलना पक्का है। अब ये सब खेल में अल्लाह को क्या मिल रहा है ये मैं जानना चाहता हूँ सर। बहुत अच्छा सवाल, ये दूसरा सवाल है मेरा। और तीसरा, दोनों सवाल का जवाब दूंगा, तीसरा मत पूछिए सर। शॉर्ट ये तो लोग मुझे कहेंगे कि मैं अपना इंसाफ नहीं नहीं, इसी कनेक्टेड है सर, इसी से कनेक्टेड है, और सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ। आप देना चाहे दे सकते, नहीं देना चाहे नहीं दे सकते। सर हमारा फैसला कैसा होने वाला है ये तो मुझे पता चल गया कि डूज और डोंट्स कुरान में लिखे हैं, फॉलो करो आपका फैसला हो जाएगा। लेकिन जो जानवर एनिमल्स जो है, एलिफेंट्स, ये जो भी जानवर है, इनका फैसला अल्लाह कैसे करने वाले हैं ये मुझे जानने की क्यूरियोसिटी है। आप देना चाहे दे सकते हैं। जवाब दूंगा, मुख्तसर सा दूंगा। आपने बिल्कुल सही किया तकदीर के बारे में, आप पीस टीवी देख रहे हैं, वहां से मालूमात सही मिली। आपके जो तीन सवाल आते, पहला सवाल था अल्लाह जब जानता है ये सब होने वाला है तो ये खिलवाड़ क्यों होता ना कठपुतलियां, जब अल्लाह ताला सब जानते है तो हम लोग क्यों ये रचा रहे ड्रामा, डायरेक्ट क्यों ना मुझे जन्नत में डालता, डायरेक्ट क्यों ना दोजख में डालता। बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले ये सवाल कि अगर अल्लाह सुभाना व ताला आपको बोलेगा अच्छा ये आदमी अच्छे काम करने वाला है इसको जन्नत में डाला, ये आदमी बुरे काम करने वाला है दोजख में डाला, और डायरेक्ट अगर दुनिया में आने के बिना जन्नत में डालेगा दोजख में डालेगा, जन्नत में वाला तो एतराज नहीं करेगा, दोजख में डालने वाला कहेगा आप मुझे दोजख में क्यों डाल रहे, मैंने क्या गुनाह किया। अल्लाह ताला कुरान में ये लिखा है आखिरत के दिन में आप अल्लाह से ये नहीं कहेंगे क्या वो नाइंसाफी कर रहे, आपके जिस्म आपके खिलाफ गवाही देंगे, आपके फेवर में गवाही देंगे, आपके आंख, आपके हाथ, आपके हर जिस्म के अंग अंग
आपके फेवर और खिलाफ में गवाही देंगे, आपके आगे सब कुछ स्पष्ट रहेगा। तो आप अल्लाह से ये नहीं कहेंगे कि आप मुझे दोजक में क्यों डाल रहे, आप कहेंगे मुझे और एक मौका दो। अल्लाह कहेगा टेस्ट खत्म हो गया है। अगर डायरेक्ट आपको दोजक में डालेंगे तो आप कहेंगे अल्लाह ने, मिसाल के तौर पर अगर टीचर जानता है कि ये स्टूडेंट को फर्स्ट आने वाला है, ये स्टूडेंट फेल होने वाला है, अगर डायरेक्ट बोलेगा नो टेस्ट, आपको पास किया, आपको फेल किया, पास करने वाला इतराज नहीं करेगा, फेल करने वाला बोलेगा अरे आपने फेल क्यों किया मुझे, अरे आप तो बुद्धू है आपको, लेकिन फेल क्यों किया, इसलिए टेस्ट लेता है। अल्लाह ताला जानता है लेकिन आप उस पर एतराज नहीं किया आखिरत में, इसलिए टेस्ट ले रहे हैं। नंबर दो, अल्लाह को फायदा क्या है? अल्लाह को शैतान ने उसको चैलेंज किया था कि मैं तेरे बंदे को भड़काऊंगा, चैप्टर नंबर 7 में लिखा गया है। तो अल्लाह कहता है का, मेरे बंदे को तू भड़का सकेगा ही नहीं, जो मेरे बंदे ने उसको भड़काएगा। इब्लीस कहता है मेरे पनिशमेंट को डिले करो, गिव मी रिस्पाइट, अल्लाह डिले कर लेता है। अल्लाह क्यों कर रहा है? क्योंकि अल्लाह ताला के लिए इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, बेस्ट क्रिएशन। बाकी क्रिएशन डोंट हैव फ्री विल, इंसान को फ्री विल है, तो ये सबसे बेहतरीन क्रिएशन है। उनको खुशी हो रही कि बाकी जो लोग है, आपका तीसरा सवाल भी इसमें आता है, जो फरिश्ते को चॉइस दे, जो अल्लाह कहता है मानना ही पड़ता है, जानवर को फ्री विल नहीं है, जो अल्लाह ताला कहेगा जानवर करेगा, फ्री विल नहीं। इंसान एक ऐसी मखलूक है, ऐसा क्रिएशन है जिसके पास फ्री विल है, इसीलिए उसे खुशी होती है कि मैं फ्री विल देने के बाद ये इंसान मेरी इबादत कर रहा है। आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 3, ये टेस्ट जानवरों के लिए नहीं है, जानवर के लिए टेस्ट नहीं, सिर्फ इंसान के लिए और जिन के लिए। जानवर अगर किसने भी कोई गलत किया, एक जानवर ने दूसरे जानवर के खिलाफ कुछ सिंग मारी, तो आखिरत के दिन पे उसका बदला लिया जाएगा और उनको खत्म किया जाएगा, इन्नोक स्वर्ग और नरक में नहीं जाएंगे। इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, सबसे अच्छा क्रिएशन है, सिर्फ वो जन्नत दोजख में जाएंगे। और सवाल के पहले जो आपने पूछा था कि वो मुस्लिम ऑपरेटर पीस टीवी नहीं दिखा रहा है, हम क्या करें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुसलमान से ज्यादा गैर मुसलमान को फायदा हो रहा है, इसलिए वो मुसलमान टेलीविजन नहीं दिखा रहा है। और मैं कहता हूं ना, कुछ लोग नाम के मुसलमान रहते, पैसे के रहते, वो बाकी चैनल शायद उन्हें पैसा देते, हम किसको पैसा देते ने? हम ना पैसे दे किसी को खरीदते, ना किसी को इस्लाम फैलाते, ना चैनल को पैसा देते। गॉड टीवी जो क्रिश्चियन चैनल है इंडिया में, हर साल 28 करोड़ रुपीज है, 28 करोड़ सिर्फ केबल ऑपरेटर्स को पैसा देती है, 28 करोड़, वो बजट भी नहीं सिर्फ इंडिया में दिखाने के लिए। हम पीस टीवी बोलते, हमारा मन का टीवी, हम आपको 1 रुपया देंगे नहीं, दिखाने का दिखाओ, नहीं दिखाने का मत दिखाओ। तो ये लोग पैसे के पुजारी, अब्दुल्ला ने अब्दुल रुपया है, ये मुसलमान हो ही नहीं सकता, जो भी है मैं जानता नहीं उन्होंने। और आपको सजेशन, आप क्या कीजिए, बॉयकॉट करो उनको, बॉयकॉट करो, आप पर्चा निकालो, जो पीस टीवी नहीं दिखाता है हम केबल टीवी नहीं लेंगे। मैं जानता हूं कि बहुत से गैर मुसलमान केबल टीवी पे पीस टीवी दिखाते, जो केबल टीवी ऑपरेटर, मुझे पूना से कहा गया है, वो से गैर मुसलमान दिखाते, ये लोग सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। इन लोग पीस टीवी देखेंगे तो सही लाइन पे आएंगे, खुद भी देखते नहीं और दूसरे लोग को देखने नहीं देते। मैं क्या कहता हूँ, अगर नहीं देखते आप बिल्डिंग में, एक बिल्डिंग में डिश लगाओ, एक डिश का खर्चा 5,000 है, वायर दो, वायर का 100 रुपया और, या 200 रुपया और, 600 रुपया और, 5,500 में 10 लोग देख सकते हैं, एक आदमी कितना देगा, 500 रुपया। आप जो केबल ऑपरेटर को फीस दे रहे ना 250 रुपया 300 रुपया, वो भी बदल दे, हमारा फ्री चैनल है, 5,000 रुपया खर्चा करो, 1,000 रुपया वायरिंग के लिए, 6,000 में 10-15 लोग देख सकते हैं, 600 रुपया 300 रुपया खर्चा आएगा, सही है ना। और मैं कहता हूँ कई लोग ने खुद का केबल शुरू किए, ये मुसलमान नहीं दिखा रहा उसको छोड़ दो। और वो ही मुसलमान आज मेरा मैनेजर कह रहा था, एक केबल ऑपरेटर में जानता नहीं, हमारा टीवी दिखाता नहीं, लेकिन लाइव टेलीकास्ट दिखाना चाहता है। तो मेरे मैनेजर मंसूर भाई ने कहा, अजीब बात है, आप हमारा केबल दिखाते नहीं, बोलते पुलिस परमिशन देती नहीं, क्या आज आपको पुलिस परमिशन मिली? चुप हो गया। फिर भी मैंने कहा मैनेजर से दिखाने दो, अल्लाह उसको हिदायत दे, दिखा रहा है लाइव टेलीकास्ट दिखाने का, लाइव टेलीकास्ट और डिफिकल्ट है, इस टीवी पे सब एडिट होता है, यहाँ कोई गलत चीज कह दिया तो सब लोग को सुनने में आएगा, तो इस टीवी पे
तीन चार बार देखा जाता है कुछ गलत नहीं, कोई किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा है, लाइफ में तो कोई भी बात कर सकता है। फिर भी मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह इस मुसलमान को हिदायत दे, और आपसे दरख्वास्त कर सकता हूँ कि आप शुरू कीजिए, आपके साथ और लोग आपका साथ देंगे, और इंशाल्लाह ऐसे लोग का केबल चैनल ही बंद हो जाएगा फिर। सर मैं कोशिश करूंगा सर, और मैं दुआ करता हूँ कि आप जैसा कहा कि 5 साल से आप मेरी तकरीर सुन रहे हैं, और आपको लगा कि आप जो कहते हैं कि धर्मों में गलत बातें होती है, और ये मेरा हमेशा कहना है, हर धर्म के ठेकेदार से कहो ये बात सबूत से पेश करो, चाहे हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, ईसाई धर्म हो या इस्लाम हो, सबूत पेश करो, कुरान में लिखा है कहने, हदीस में लिखा है कहने, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, आपको सही रास्ता दिखाए, और अमन का मजहब कबूल करने के लिए हिदायत दे। कोशिश करता हूँ, थैंक यू सर। ख्वातीन के हिस्से में